ला वालोरी आके पदरे इस 2 साल पूरे होने पर शहीदी अवसर पर हमारे आदिवासी परिवार और यहाँ विभिन्न पार्टियों के विराजमान हमारे सारे साथीगण, मैं आप सबका हार्दिक बहुत बहुत जोहार अभिवादन करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ पे 100 साल पूरे होने के अवसर पे हमको भी यह मौका मिला और आपके बीच में हम उपस्थित हुए और इस भूमि पर जो शहीद हुए उन शहीदों को मेरा लाख लाख जोहार अभिनंदन, और साथ में ही वो शहीद हुए वंशजों का भी मैं बहुत बहुत जोहार अभिवादन करता हूँ। और खास तौर से मैं इस मंच से सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ, ये जो 50 वो कह रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं कि 50 शहीद हुए, अरे 50 तो पूर्ण शहीद हुए तो बाकी लोगों को क्या हुआ होगा? गोलियां लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी, कितने मरे होंगे कोई पता नहीं है। तो सरकार से हमें निश्चित रूप से जब अखबार में आ रहा है ये बात, तो यहाँ के जो शहीद हुए उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित करो, और उनके परिवार है उन परिवार वालों को हर एक को नौकरी दो। जब तक सरकार इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाती है, हम कहना चाहते हैं कि इस शहीद स्मारक में इस शहीद 100 साल पूरे हुए उस शहीद साल 100 पूरे हुए उस मौके पे सरकार को जिस तरह से आयोजन में आयोजन खुद सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आज हम सरकार नहीं करके हम खुद इसको आयोजित कर रहे हैं, और मैं सबका आप सबको बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, ये जो शहीद हुए वो शहीद क्यों हुए थे, हमारे बहुत सारे साथियों ने बोला है, ये शहीद जो हुए वो शहीद क्यों हुए, क्या वो समस्या जिसके लिए शहीद हुए वो बात समस्या खत्म हो गई या अभी भी बाकी है? मैं समझता हूं कि आज ज्यादा बढ़ गई है। आज हमारे 9 गांवों को विस्थापित कर रहे हैं और यहाँ पे शेड्यूल एरिया घोषित नहीं है, और हम अभी आबू में गए थे तो आदिवासियों को अपने खाते की जमीन होते हुए पशु घर के लिए तो कैटल गार्ड दे रहे हैं, सरकार कैटल गार्ड बनाने देती है कि नहीं देती? देती है पशुओं के लिए, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के लिए चोपड़ा बनाने की खुद बनाते हैं तो भी नहीं बनाने दे रही है। ऐसी हरामी सरकार है, उस सरकार को क्या करना चाहिए आप खुद सोच लीजिए। हो सकता हमारे कांग्रेस के भी लोग हों, लेकिन कांग्रेस जब गिर रही थी उसको जीवन दान देने वाले हम ही हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तुम आदिवासियों के साथ में इस तरह की गुस्ताखी, इस तरह का अन्याय, इस तरह से जो करोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। अब तो तुम्हारा हिसाब हम धरातल पे करने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप सुन लो कान चूल के, कान खोल करके, आज हमारा आदमी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, कांग्रेस के अंदर बैठा हुआ है, बीजेपी के अंदर बैठा हुआ है। ये मत सोचना ये आदिवासी वही का वही रहने वाला है, ये आदमी छोड़ करके हमारे पाले में आने वाला है और तुम्हारी पार्टियों में खाली होने वाली है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो भाई हैं, हमारे जो गुलाम भाई हैं, उनको भी थोड़ा दिमाग जो स्क्रू ढीले हो गए हैं उन स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर लो। बहुत साल हो गए, 70 साल से हम उनकी गुलामी करते आ रहे हैं। मैं आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाइयों 70 साल कोई कम नहीं होते हैं। मेरी उम्र कितनी है? 66 साल। और कितने साल? 70 साल। यानी कि एक पीढ़ी खत्म हुई कि नहीं हुई? खत्म। एक पीढ़ी खत्म हो गई, तब तक तो आज तक हम आदिवासियों को हक अधिकार नहीं दिया, फिर कब देने वाले हैं? इसलिए हमको इंतजार नहीं करना है साथियों, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आप, मैं चाहता हूं कि हमारे जीते जी इस देश का मालिक है, वो नियंत्रण होना चाहिए सरकार पे। जीते जी आदमी हमारा इस देश के अंदर शासन प्रशासन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये खास तौर से ये जो मैं बोलना चाहता था, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो आदिवासियों के जो हक अधिकार जो संविधान में दे रखे हैं, उन संविधान में दे रखे हैं, जो हमको हक अधिकार संविधान में दे रखे हैं। क्या है संविधान में? संविधान तो 1950 में लागू हुआ, उसके पहले भी 1874 से हमारे हक अधिकार अंदर चले आ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की देन थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1969 के अंदर रामकृपाल बनाम बिहार सरकार जो आया, उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों के ऊपर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती है। सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती है मतलब आदिवासी पे केस दर्ज नहीं हो सकता किसी थाने में। ऐसा हो रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कितने साल हो गए फैसला आया, 69 का मतलब करीबन 50 साल से भी ऊपर हो गया। जब 50 साल से ऊपर हो गया और अब तक लागू नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे भाई कांग्रेस में बैठे हुए हैं, कांग्रेस का भी राज था कि नहीं था? और बीजेपी का भी राज था? दोनों पार्टियों के होंगे, नहीं होंगे तो सुन लेना, सुनेंगे से आज और कल। तो हम कहना चाहते हैं क्यों नहीं बोले आदिवासियों को समय, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि आदिवासियों के ऊपर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती है, उस पर केस दर्ज नहीं होता है, वो कस्टमरी लॉ के अंतर्गत वो नियंत्रित होता है, तो फिर ये केस क्यों बने आज तक? हमने पूछा, सवाल पूछा विधानसभा के अंदर, हमको ये बताइए कि 5वीं अनुसूची लागू है या नहीं है, तो विधानसभा से जवाब आया, क्या जवाब आया? नहीं नहीं लागू है। तो ये जो तरीका कर रहे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और मिलकर कर रहे हैं उसका प्रमाण आपने देखा होगा कि कमल कांग्रेस दोनों एक है। डूंगरपुर में 13 जिला परिषद सदस्य हमारे थे, आदिवासी परिवार के थे, और 6 कांग्रेस के और 8 बीजेपी के। अरे भाई किसका प्रमुख बैठना चाहिए था? आदिवासी परिवार का जिला प्रमुख बैठना चाहिए था, कौन बैठ गया? कांग्रेस बीजेपी दोनों ने शादी कर ली।
और ऐसी अवैध संतान जिला प्रमुख बढ़ा के बिठा दी, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। और वो क्या करती है? आशाराम आशाराम करती है। वो आशाराम आशाराम करती है, उस आशाराम को बलात्कार में सजा हुई है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को क्या इलाज करना चाहिए। मेरे साथियों, मैं कांग्रेस और बीजेपी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है उसकी व्याख्या कर रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। आपने समझ सकते हैं कि जब ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट में समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले में साफ स्पष्ट लिखा है कि न तो केंद्र सरकार यानी कि मोदी की और न राज्य सरकार गहलोत की किसी भी की एक इंच जमीन नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ गैर आदिवासियों की भी एक इंच जमीन नहीं है शेड्यूल एरिया में। कितनी जमीन? एक इंच जमीन नहीं है शेड्यूल एरिया में। तो किसकी है जमीन? केवल आदिवासियों की जमीन है। इसलिए गुरु गोविंद पहले कह गए थे, एक टाइम ये होगा आएगा मांझे मेरे न काजा वड़ा मरे, क्यों कहा था? कि उनका खाता ही नहीं है। जब उनका खाता नहीं है और हमारे खातों में उन्होंने महल खड़ा कर दिए, तो कौन है मालिक उसका? कौन मालिक है? और तुम हो तो सिर पे उठा के लेके चले जाओ, ले जाओ तो तुम तरह बिल्डिंग उठा के, हमको इतराज नहीं है। ले जाने वाले नहीं ले जाने वाले हैं, भले हम कहेंगे तो अभी जाने वाली नहीं है उनके साथ में, वो हमारे खाते में है, यहीं रहने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे संत महापुरुष गुरु गोविंद कहते हैं कि उस्ती निष्ठाएगा निष्ठी ओस्थाएगा, कही गया कि नहीं कही गया? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हम जो नीचे पैदे में बैठे हुए लोग हैं, वो ऊंची जगह मिलेगी और ऊंचे वालों की नीचे जगह मिलेगी। ये क्या होने वाला है? ये पांचवी अनुसूची के अंदर ये साफ स्पष्ट बात है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू हो गए, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ये 2011 में एक फैसला आया है कैलाश बनाम भारत सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि क्या कि ये देश का मालिक आदिवासी है। कौन है इस देश का आदिवासी मालिक? हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2011 का फैसला है। आज तक कांग्रेस ने और बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बताया कि आदिवासी इस देश का मालिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, ये क्यों नहीं बताया? मैं उन लोगों को जाकर पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। मैं समझता हूं कम से कम कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे लोग हैं, सवाल करेंगे, सवाल नहीं करें, सवाल का जवाब नहीं मिले आप छोड़ के आ जाइए। हम आपको कहना चाहते हैं, इसलिए साथियों आपको देखना का सवाल ये है कि देश का मालिक है, देश का मालिक है मतलब हर चीज का मालिक है, इस देश के जंगलों का मालिक है, इस देश के जल का मालिक है, इस देश में जितनी संपत्ति है उस सब का मालिक आदिवासी है। तो आदिवासी गरीब है क्या? अरे मोदी इसलिए हमको बेवकूफ बनाने के बोल गया, पहले क्या बोला? 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे। बोला कि नहीं बोला? आए 15 लाख? नहीं आए। यानी कि उसको मालूम है अभी आदिवासी इस देश का मालिक नहीं जागा है, अभी उसकी एकता नहीं हुई है, अभी खड़ा हुआ नहीं हुआ है, ये उसको मालूम है। इसलिए कहता हम तो ऐसे ही क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे?
जुमला था ही। बोला कि नहीं बोला? एक जुमला था ही जो रहा है। तो भाई इस देश का मालिक जाग गया है। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग धीरे धीरे आपको सबको मालूम है क्या कह रहे हैं, ये संविधान बदलना है, ये संविधान खत्म करना है। जो इस देश में जो लागू हुआ 50 में, वो संविधान ठीक नहीं है, इस संविधान को बदलना है। अरे बदलना है ये कहने वाले लोग हैं। बदलना है कहने वाले लोग कौन है? कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग। कांग्रेस को समर्थन कर रही है चुपके चुपके, लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं कि संविधान को बदलना है हमको। अरे मूर्खो, उस संविधान में क्या गलत है ये तो हमको बताओ। ये बात यही है कि आदिवासियों के संविधान में देश का मालिक बना रखा है, इस संविधान में इस जमीन का मालिक आदिवासियों को बना रखा है। ये तकलीफ हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों की जानकारी हो। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मालिक है इस देश के। जब मालिक है तो जो गुलाम लोग हैं, जो गैर आदिवासी लोग हैं, कांग्रेस हमने नहीं बनाई, बीजेपी हमने नहीं बनाई। अरे मालिक को फिर वहां जाके सदस्य बनने की क्या जरूरत है ये तो बताओ। कम से कम मालिक की पार्टी अलग हो तो अलग होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ में हम सदस्य क्यों बने? मालिकों की अलग होनी चाहिए, उनके साथ में होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। पार्टी होगी हमारी अलग होगी, वो आना है तो आएंगे, उनको सदस्य बनाना है, मर्जी हो तो बनाएंगे, नहीं मर्जी हो तो बिठाएंगे, दूर बिठाएंगे, तुम्हारा इलाज हम करते हैं। लेकिन भाइयों, ये देश के अंदर अब जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। तब पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कम से कम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य का सवाल है, हमारे नौजवान साथी है उनके भविष्य का सवाल है, और हमारे जैसे हैं वो समय आ गया है। क्या समय आ गया? 66 हो गया तो ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं चाहे मर जाना पड़े समाज के लिए तो मरेंगे, लेकिन हमको देखने मिले, हमारी नजरों के सामने हो, ये हम चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जहाँ का भी हो, जहाँ भी हो, आप सब मिल करके एक बात तय कर दो, तय ये करो, ये जो कांग्रेस बीजेपी है वो हम छोड़ देंगे आने वाले समय में, और केवल केवल आदिवासी हम हमारे ढंग से जिएंगे, हमारे ढंग से पार्टी बनाएंगे, और हम हमारे ढंग से हम चलाएंगे। तुम्हारी बात में हम नहीं मानेंगे। हमारे अंदर हमने क्योंकि माना है, आपको मालूम होगा कि यहाँ का MLA हमारे साथी हमारे कौन बैठ रहे हैं, समाराम जी रासिया। कभी आदिवासियों की बात लेके बोले? कभी यहाँ का जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो बोले कभी? नहीं बोलते हैं। वो पार्टी जिस पार्टी के अंदर है, वो पार्टी उनको गुलाम बना रखना चाहती है, बोलना नहीं देना चाहती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो लोग गुलाम जाके कर गुलामी करते हैं, ऐसे लोग जो वहां जाके आवाज नहीं उठाते, ऐसे लोगों की कान पकड़ करके बिठा दीजिए। आप उनको अपनी औकात बताइए कि तुमने कुछ नहीं किया कर सकते हो, इसलिए तुम्हारी जगह कौन सी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही, आप समझ सकते हो इस बात को, लेकिन मैं बात इसलिए हमारे बीच में आदिवासी परिवार के भंवर जी है, आप जल्दी मत करना, उनकी बात को पूरी सुनना। निश्चित रूप से मेरे पहले वो बोलने चाहिए थे, हम आधी अधूरी बात करते तो चल जाता है, लेकिन उनकी बात को पूरी तरह से सुने आप। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों,
कि ये जो हम आदिवासी परिवार ने एक नया तरीका विजात किया है, नया तरीका क्या किया है, हमारे वक्ताओं ने बोला भी है कि हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, हमने आज तक जो धोखा खाया, इन अलग अलग पार्टियों में जाकर धोखा दिया हमको, वो उसका मुख्य कारण है सिलेक्शन प्रणाली। आज टिकट कौन देता है? टिकट कांग्रेस में हाईकमान देता है, प्रधान साहब देता नहीं देता, हाईकमान कौन है? सोनिया गांधी जयपुर में अशोक गहलोत और वहां तक बैठे हुए, और बीजेपी के अंदर पहले तो तीन तीन ऑल ओवर नरेंद्र मोदी और बोलो शाह शाह करके, कोई भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टिकट वो देते हैं। यहाँ जनता को कौन सा पसंद है कौन सा पसंद नहीं है वो जनता तय करती, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको गुलामगिरी करने वाला, उनको जहाँ बैठा है वो बैठे रहने वाला आदमी उनको चाहिए, इसलिए वो छाटते हैं किस आदमी को दे टिकट। और कोई बोलने वाला यहाँ यदि मत पे चढ़ के आदिवासियों की बात करने वाला आदमी को टिकट देंगे वो? कांग्रेस बीजेपी देंगे क्या? नहीं देंगे। उनको कैसा आदमी चाहिए? फट से कान पकड़ा दीजिए, चुप हो जाए, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, ऐसा आदमी चाहिए। इसलिए हमारे आदिवासी परिवार ने जो सिलेक्शन का पावर है वो पावर जनता को दिया है, जनता देख रहे। मैं सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सागवाड़ा की जनता ने सिलेक्शन हमारा किया और हमको MLA बना दिया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में उठाए, उनकी बात ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में उठाए, ये हमारा मकसद होता है। क्योंकि हमारा हाईकमान कौन है? सागवाड़ा की जनता है, आम जनता है। इस वजह से हमारा हाईकमान वो है। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अब आप लोग हाईकमान सोनिया गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, जनता आपके पास में पावर होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हो? जब जनता का पावर है, सिलेक्शन का पावर है आपके पास होगा, तो कौन सा आदमी चयन करेंगे आप? अच्छा आदमी आपके पक्ष में बोलेगा, नहीं होता तो आपके बीच में आ जाएगा। भाई आप तो कह रहे हो, मैं बात तो उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे, आप क्या करना है बोलो। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ का MLA वहाँ बात नहीं उठाते हैं, बात करते नहीं है, इस वजह से। बाकी ऐसा नहीं है कि एक MLA बात उठाए और वो बात नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप, मैं कम से कम, क्योंकि 66 जब हो गए हैं, अब पता नहीं कब क्या होगा, तो मैं आपसे उम्मीद रखूं कि नहीं रखूं? मैं आपसे उम्मीद रखने ये आया हूं कि आप हमें ये बताइए कि ये पार्टी कांग्रेसों के बीजेपी के साथ, कोई भी गैर आदिवासी ने पार्टी बनाई हो, उस पार्टियों को छोड़ना कि नहीं छोड़ना? हाथ खड़े करो, देखे प्रधान साहब नहीं करेंगे ऐसा लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप छोड़ दीजिए, यदि समय रहता हम पार्टियों को ऐसा बता देंगे तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, क्या कहेंगे? क्या आप बताइए, आपका आदमी जो आज सिलेक्शन कर दो वो हम टिकट देंगे, तुम्हारी वो टिकट नहीं चाहिए हमको, आप टिकट हम तय करेंगे उसको देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सागवारा की जनता ने मेरे को जो MLA बनाया, वास्तव में मैंने कोई खर्च नहीं किया, सारा जनता ने, बाकी सागवारा की जनता उम्मीदवार खुद थी, वैसे चढ़ गए वो हमको MLA बनाया। और मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था, गैर आदिवासी तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, क्या बोला था? गैर आदिवासी तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, यूं तो STM ने मेरे ऊपर नोटिस निकाला। क्या नोटिस निकाला?
अच्छा आप यहाँ आइए और जवाब दीजिए। आप बोल रहे हो कि आप गैर आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे वोट नहीं। एसडीएम था वो द्विवेदी था, राजीव द्विवेदी। मैं जानता हूँ तुम मुझे वोट नहीं देने वाले, फिर भी मैं आपको बोलो कि आप मुझे वोट देना। वो चुप हो गया, आगे जवाब नहीं दे पाया। इसलिए मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कह दिया वो कह दिया, आपको नहीं कहना है। वो क्या पता जनता की ताकत मुझे लग गई और मैंने बोल दिया, लेकिन जनता ने जिता भी दिया। इसलिए आप हमें यहाँ कम से कम इस इलाके में बदलाव लाना है। निश्चित रूप से आप इतनी बड़ी जनसंख्या में आप हमारी माताएं बहनें प्यारे बच्चे आप सब यहाँ पकड़े हो, आप सबका मैं हार्दिक नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आपको बहुत बहुत हमको दोबारा मौका मिले आपसे बात करने का, अपने बीच में आपकी समस्याओं को लेकर के धरने में बैठने का, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम विधानसभा में भी बोलना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और यहाँ पे यदि कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम साथियों आपके आवाज में आपकी जो समस्या है उसके साथ में है, चाहे वो डैम हो या आप नहीं चाहते हैं वो तो नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ ये आपको नहीं चाहते हैं। लेकिन आप यदि आपका सरपंच प्रतिनिधि होता है आपका, यदि सरपंच लिख के दे दिया ये हमारा कोई एतराज नहीं। निकल आया हो यही मैं कह रहा हूँ कि आप सरपंच हो चाहे कोई भी हो, हमको सबको एक मत रहना है कि हमारे इलाके में डैम नहीं चाहिए। हमको हम मना कर देंगे, कोई डैम नहीं बनेगा और हम आपके साथ में हैं। विधानसभा में उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे, हम छोड़ेंगे इस बात को। यही बात करके मैं दोबारा आप सबका हार्दिक नमन जोहार करता हूँ। धन्यवाद, सब जय जोहार और जय भील प्रदेश। और कम से कम बहुत जल्दी हमारा ये जो भील प्रदेश है वो भील प्रदेश बने। बनाना है कि नहीं बनाना? भील प्रदेश बन जाएगा तो फिर यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का राज्यपाल, यहाँ के सारे अपने लोग होंगे। और हमारी हम जैसे 100% की बात मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। यहाँ हम आरक्षण की बात करें, ये 5वीं अनुसूची है, उसके अंदर चपरासी से लेके कलेक्टर तक आदिवासी होगा। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चपरासी से लेके कलेक्टर तक आदिवासी होगा, या कांस्टेबल से लेके एसपी तक सारे आदिवासी होंगे। और किसके नियंत्रण में होंगे? आदिवासियों के नियंत्रण में होंगे। आदिवासी जो कहेगा कि हमारी यहाँ लूटपाट हो रही है तो किसके खिलाफ जाएगा? आज तो सुनता नहीं है, आज सुनता नहीं है, लेकिन कल आदिवासियों की सुरक्षा में जब उसको खड़ा होना पड़ेगा, आदिवासियों की सुरक्षा का सवाल होगा, उस वक्त आदिवासियों की जो लूटपाट हो रही है, आदिवासियों के खिलाफ जितना काम हो रहा है वो काम वो रोकने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो आज नहीं तो कल निश्चित लागू होने वाले, वो दौरा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे कार्यकाल में ही, हमारे जिंदा रहने के दौरान ही ये हो जाए, ये हम चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन बार बार हम कर रहे हैं, यही बात हम करके अपनी बात खत्म करते हैं। इसलिए साथियों हमने जो यहाँ पे देखा है कि हमारे जो साथी खास मेहमान आपके बीच में आए हैं, उनकी बात पूरी सुने और सुनने के बाद में निश्चित रूप से हम उस पर मिल करके अमल करेंगे। हमारा दुख सुख में हमारी कोई ऐसी बात होगी तो हम मिल करके काम करेंगे और मिल करके उसका सोल्यूशन करेंगे। आज तक हमने ऐसा नहीं किया है, यही कारण है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, धन्यवाद, जोहार। भारत है।